राम के सरस्वती शिशु मंदिर में पिछले 11 वर्षों से सहज योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रत्येक रविवार को सहज योग शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम के सभी वर्ग के महिला पुरुष सहज योग के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। सहज योग के बारे में जानकारी देते हुए दीपक मालवीय ने बताया कि हम सहज योग के माध्यम से सभी बिना दवाई व चिकित्सकों की सहायता के 5 तत्वों से हर प्रकार के रोग का इलाज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज के व्यस्त जीवन में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कम सतर्क है, जिसके कारण अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हर्षद सोनी की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है ये? सहयोग आज के इस युग में महायोग की तरह कार्य हो रहा है। सहयोग में हमारे अंदर शरीर के अंदर कुंडली नाम की शक्ति होती है, जो सहयोग करने से स्वतः ही और बगैर किसी परिश्रम के ये शक्ति जागृत हो जाती है और परमात्मा से एकाग्रता हो जाती है। परमात्मा से एकाग्रता होने के बाद हमारे दोनों हाथों में परम चैतन्य की अनुभूति होने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस सृष्टि पर परमात्मा का वास है और परमात्मा ही इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। विगत 13 वर्षों से ओझर में सहयोग ध्यान केंद्र का चलन हो रहा है और नियमित रूप से इसे साधक प्रत्येक रविवार सरस्वती शिशु मंदिर में शाम को 4:30 बजे एकत्रित होते हैं और सामूहिक रूप से सहयोग का ध्यान करते हैं। और नए व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? नए व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए मैं यही कहूँगा कि वो सहयोग में आए और स्वयं जाने, मेरे बोलने से या कहने से वो बिल्कुल भी इस चीज़ का विश्वास ना करें, पर जब वो आएंगे और उनकी शक्ति का जागरण होगा, उन्हें दोनों हथेलियों पर परम चैतन्य की अनुभूति होगी और उनके जीवन में उसी क्षण में उसी समय में आमूल परिवर्तन आने लग जाएगा। जैसे दुर्व्यसन से दूर हो जाएगा व्यक्ति, सद्गुण अपनाएगा और अवगुणों से भागेगा और अपने जीवन को बहुत ही शांतिमय और सुखमय व्यतीत करने लग जाता है व्यक्ति।